ऋतिक और टाइगर के वार के लिए तैयार हो रही वाणी कपूर धमाकेदार एक्शन के साथ करेंगी ये काम। बॉलीवुड में पिछले काफी समय से फिल्म वार को लेकर चर्चा हो रही है। इस फिल्म का पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये ऋतिक और टाइगर की पहली फिल्म है जिसमें दोनों शानदार एक्शन करते नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले रिलीज हुई फिल्मों में भी ऋतिक और टाइगर को एक्शन सीन्स करते देखा गया है, लेकिन ये फिल्म इस मामले में काफी खास होने वाली है। इसी के साथ फिल्म में दोनों एक्टर के साथ ही वाणी कपूर भी एक बड़ा धमाका है। जी हाँ, यशराज फिल्म्स ने वाणी कपूर के किरदार को फिल्म में सरप्राइज की तरह तैयार किया है और इस किरदार को बड़े पर्दे पर देख लोग चौंक सकते हैं। हाल ही में फिल्म में अपने इस इम्प्रेसिव किरदार को लेकर वाणी ने कहा कि दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना हमेशा एक खुशनुमा एहसास होता है। फिल्म के लिए जरूरी फिटनेस हासिल करने के लिए मैं खुद पर काफी मेहनत करती हूँ। इसके लिए योग, पिलेट्स, वेट ट्रेनिंग के साथ ही कई घंटे जिम में बिता रही हूँ। इस प्रशिक्षण का सबसे कठिन पहलू डाइटिंग था, ताकि पर्दे पर मैं वैसी ही दिख सकूं जैसे मेरे निर्देशक मुझे दिखाना चाहते हैं। वही फिल्म को डायरेक्ट कर रहे सिद्धार्थ आनंद ने इस सरप्राइज को लेकर कहा कि वॉर में हम एक तेज तरार और सुपर फिट लड़की को कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनकी जोड़ी हमारे देश के सबसे बेहतरीन दिखने वाले नायक ऋतिक रोशन के साथ बनाई जा रही थी। इसमें वाणी पूरी तरह से फिट होती है। वह एक अद्भुत अभिनेत्री है और वे फिल्म में जिस तरह से दिख रही है वैसी दिखने के लिए उन्होंने काफी प्रयास भी किया है। बात यदि वाणी की करें तो उन्होंने फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रोमांस किया था। इसके बाद फिल्म बेफिक्र में रणवीर कपूर के साथ वाणी की जोड़ी के हिट होने की काफी उम्मीदें लगाई गई थी। वही अब खबर है कि ऋतिक रोशन के साथ फिल्म वॉर में दिखने के बाद वे रणवीर कपूर के साथ फिल्म शमशेरा में नजर आएंगी, जिसमें वे उत्तर प्रदेश की एक नौटंकी वाली की भूमिका में है। इस फिल्म में वाणी अपना करियर सक्सेस पर लाने के लिए कामयाब होगी या नहीं, ये देखना बाकी है। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।